हेलो फ्रेंड्स, आज हम शाही पनीर बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसे बनाना भी आसान है, खाने में भी टेस्टी होगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें 1 लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसके साथ ही आधी कटोरी इसमें काजू डालेंगे। काजू को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 2 मीडियम साइज की ओनियन डालेंगे। ऑनियन को ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सारी चीज़ों को पीस कर पेस्ट बनाना है, तो हम इसको मोटा मोटा भी काट सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 2 टमाटर डालेंगे। इनको भी मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। आज मैं शाही पनीर को बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद भी आने वाली है। तो इनको 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसके साथ ही इसमें नमक भी ऐड करेंगे। नमक डालने से ये जल्दी पक जाएगा। तो इसको सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि ये सारी चीज़ें सॉफ्ट नहीं हो जाती। अभी 5 मिनट के बाद ओपन करके देखेंगे, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। कढ़ाई या पैन को गर्म करेंगे, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और ये 300 ग्राम मैंने पनीर लिया है। आप इसके पीसे छोटे या बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं। हल्का सा पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को फ्राई करना ऑप्शनल है। अगर आपको फ्राई किया हुआ पनीर पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल पनीर भी यूज कर सकते हैं। तो हल्का हल्का ये फ्राई हो चुका है, इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। टमाटर प्याज भी ठंडे हो चुके हैं, इनको मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अभी मैं ओपन करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं पेस्ट जो है वो कितना स्मूथ बना है। अभी हम इसको छलनी में छान लेंगे। तो मैं एक बड़ा सा बर्तन लेती हूँ और इसमें छलनी रखूँगी और थोड़ा थोड़ा पेस्ट डाल के इसको छान लेंगे। तो 2 से 3 बार में इसको थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे छान लेंगे। जो पेस्ट है वो बहुत ही स्मूथ बनेगा और शाही पनीर भी बहुत ही टेस्टी बनेगा और इसमें बहुत ही क्रीमी टेस्ट आएगा। तो शाही पनीर के लिए हमने पेस्ट भी तैयार कर लिया है, पनीर को भी फ्राई कर लिया है। अभी इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को रखेंगे और इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 इसमें हरी इलायची डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर के साथ ही इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है इससे कलर भी अच्छा आएगा और ज़्यादा तीखा भी नहीं बनेगा। मसाले के साथ ही इसमें प्याज टमाटर का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर देंगे। इस टाइम पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाले जो है वो इसी टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे। तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको ढक करके पकाएंगे जब तक कि इसमें 1 उबाल नहीं आ जाता। तो अभी मैं इसको ओपन करके देखती हूँ, ये अच्छे से पक चुकी है, इसमें उबाल भी आ गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे एक बार और इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपको अपने हिसाब से ऐड करना है। आपको किस तरह की सब्जी की ग्रेवी रखनी है, कितनी पतली या थिक रखनी है, उसके हिसाब से पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद इसमें जो खड़े मसाले डाले थे वो निकाल देती हूँ। अगर आपको नहीं निकालने तो आप इनको रहने भी दे सकते हैं। तो इनको निकालने के बाद मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक मैंने पहले भी ऐड किया था, अभी दूसरी बार नमक ऐड किया है। तो नमक जो है वो ध्यान से ऐड करना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको उबाल आने तक पकाएंगे। उबाल आने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। ग्रेवी को जितना पकाएंगे शाही पनीर उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इसको पकाने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें शहद की जगह पे 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। शाही पनीर में थोड़ा सा मिठास लाने के लिए शहद या चीनी में से एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी है, जो भी आपको पसंद हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें कसूरी मेथी डालेंगे।
तो मैं हाथों से इसको थोड़ा सा रब कर लेती हूँ और इसको ऐड कर देती हूँ। कसूरी मेथी जो है ये जरूर डालनी है शाही पनीर में, इससे शाही पनीर जो है बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छी महक भी आती है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो शाही पनीर बनाने के लिए ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है, तो लास्ट में हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो पनीर को मैंने फ्राई कर लिया था, ये भी तैयार किया हुआ है पहले से, इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, कितनी आसानी से मैंने शाही पनीर को बनाया है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इसको बनाने के लिए मैंने ना तो ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया है और ना ही कोई ऐसी चीज़ यूज की है जो आपकी किचन में ना मिले। तो मैंने इसके लिए सारी आसान चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है और इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर के रख दें। शाही पनीर बनकर तैयार हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे और इसको अलग से बर्तन में सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कुकिंग क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन बिना क्रीम के भी ये बहुत ही टेस्टी है। इसका जो टेस्ट है वो एकदम क्रीमी है क्योंकि मैंने इसमें काजू ऐड किए हैं। तो काजू से भी आप इसको बहुत ही क्रीमी बना सकते हैं, कुकिंग क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।